दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट कपिल सिब्बल अपने चुनावी क्षेत्र में पूरे जोर शोर से रोड शो और पदयात्रा के जरिए इलाके के हर एक वोटर तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार उनका ये प्रचार शुरू हुआ रामकथा चौक महिंद्रा पार्क से, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ था। अपने इस रोड शो के दौरान सिब्बल ने कहा, जनता को पता है हमने काम किया है और वो हमारे साथ है। सिब्बल ने अपने विपक्षियों पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी के हर्षवर्धन और आपके आशुतोष का चांदनी चौक से कुछ लेना देना नहीं है और वो दोनों बाहरी कैंडिडेट हैं। चुनाव में हम जनता के बीच जाकर जनता से बात करते हैं और उनको मालूम है कि हमने पिछले 5 साल में जो भी उनको उन्होंने मांगा हमने वो काम किए, तो हम ज़्यादा जो विपक्ष के जो नेता हैं वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और जनता तय करेगी 16 मई में किसके पक्ष में जाएंगे। हर्षवर्धन जी अपना परिवार छोड़ के यहाँ 21 साल के बाद आए हैं, क्या उनका लेना देना है चांदनी चौक से? और फिर 16 मई के बाद निश्चित रूप से वो वापस चले जाएंगे, तो उनका चांदनी चौक से ताल्लुक क्या है ये बताओ पहले। हर्षवर्धन आशुतोष जी का क्या ताल्लुक है चांदनी चौक से? ये तो भारी लोग हैं और यहाँ आजकल मेट्रो चल पड़ी है तो स्टेशन बड़े हैं दिल्ली में, तो चांदनी चौक से स्टेशन में मैं वापस इस दिल्ली भेज दूंगा। हम तो मानते हैं कि जनता हमारे पक्ष में, 16 मई को पता चल जाएगा। कपिल सिब्बल इलाके के गली कोचों में घूम घूम कर पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। जहां क्षेत्र का युवा उनके साथ है तो वहीं बुजुर्गों से भी उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव के नतीजे 16 मई को आ जाएंगे और उससे ये भी पता चल जाएगा कि कपिल सिब्बल की ये मेहनत उनके कितने काम आएगी।